इस वीडियो में हम सीखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन लीटर्स यानी किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना लेकिन लीटर्स में सॉलिड क्या होता है ऐसी शेप ऐसी चीज़ जिसकी शेप फिक्स रहती हो मिसाल के तौर पे आपका फुटबॉल है या चमचा वगैरह है कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी शेप फिक्स रहती हो उसको सॉलिड कहते हैं तो हमने सॉलिड्स का वॉल्यूम फ़ाइन करना है यानी उसकी कैपेसिटी फाइन करनी है तो इस टॉपिक को एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से समझते हैं ये हमारे सामने एक सॉलिड है सॉलिड है जो कि क्यूब से मिल बना हुआ है और एक क्यूब किसके बराबर है वन लीटर के बराबर है जितने क्यूब से ये मिल बना है इस तरह का एक क्यूब मिल क्या बनता है ये वन लीटर के बराबर है अब हमने देखना है कि इस सॉलिड का वॉल्यूम क्या है इसके लिए आसान सा तरीका है हमने क्या करना है इसके अंदर मौजूद क्यूब्स को काउंट करना है और वो यहाँ पे लिख लेना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन क्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन और ट्वेंटी तो इसका इसकी क्या वॉल्यूम है इसमें यानी कितने क्यूब्स हैं ट्वेंटी क्यूब्स हैं और क्योंकि हर क्यूब का वॉल्यूम वन लीटर है तो जितने क्यूब्स हैं उतना ही उसका वॉल्यूम हो जाएगा ट्वेंटी लीटर्स तो इस सॉलिड का वॉल्यूम है ट्वेंटी लीटर्स एक और मिसाल देखते हैं ये टी की शेप में एक सॉलिड है इसका वॉल्यूम हमने फाइन करना है तो इसके लिए इसके अंदर मौजूद क्यूब्स को काउंट करते हैं वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन और सिक्सटीन इसमें कितने क्यूब्स हैं सिक्सटीन है तो इसलिए इस सॉलिड का वॉल्यूम है सिक्सटीन और यूनिट क्या होगा जो हर क्यूब का यूनिट है जो कि है लीटर तो इसका भी आएगा सिक्सटीन लीटर्स अब हम एक और मिसाल लेते हैं ये एक शेप है एक बॉक्स है इसका भी हमने वॉल्यूम फाइंड करना है ये इसी क्यूब से मिलके बना हुआ है तो इसका वॉल्यूम देखते हैं क्या होगा अब यहाँ पे हम पिछले एग्जाम्पल्स की तरह क्यूब्स को काउंट नहीं कर सकते हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा क्यूब्स को काउंट करना क्योंकि पीछे वाले क्यूब्स नज़र नहीं आ रहे पूरे तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ़ क्यूब्स इज़ इक्वल टू तो वो किस तरह से क्यूब्स की तैदाद को काउंट करेंगे इसके लिए एक तरीका है लंबाई में जितने क्यूब्स हैं उनको काउंट करें वन टू थ्री फोर लंबाई में फोर क्यूब्स हैं तो यहाँ पे लिखेंगे फोर और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके चौड़ाई में जितने क्यूब्स हैं उसके साथ जो कि है वन टू तो फोर मल्टीप्लाई बाई टू और उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके हाइट में जितने क्यूब्स हैं ऊंचाई में तो वो है वन टू थ्री तो ये थ्री क्यूब्स हैं इसको मल्टीप्लाई करें फोर मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई थ्री तो ये इक्वल आ जाएगा फोर टू ज़ार एट और एट थ्री ज़ार ट्वेंटी फोर तो इसका मतलब ये जो हमारे सामने शेप है इसमें टोटल तो तो ट्वेंटी फोर क्यूब्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स ट्वेंटी फोर हैं अब हम वॉल्यूम लिख सकते हैं वॉल्यूम के लिए V का कर, इस्तेमाल करेंगे V यानी वॉल्यूम। इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ क्यूब्स को जो कि 24 है हमने मल्टीप्लाई करना है हर क्यूब के वॉल्यूम के साथ तो इसमें जो क्यूब्स इस्तेमाल हुए हैं वो ये वाले हैं जिसका वॉल्यूम है वन लीटर तो 24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे वन लीटर से तो हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाई बाई वन लीटर किसके इक्वल आ जाएगा ट्वेंटी फोर लीटर्स के इक्वल आ जाएगा इसका मतलब ये जो क्यूब है इसका वॉल्यूम है ट्वेंटी फोर लीटर्स सॉरी क्यूब नहीं ये जो आपके सामने बॉक्स है इसका वॉल्यूम है ट्वेंटी फोर लीटर्स एक और मिसाल देखते हैं ये एक और बॉक्स है जो इसी क्यूब से मिल बना हुआ है इसका हमने वॉल्यूम फ़ाइन करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें सबसे पहले नंबर ऑफ़ क्यूब्स फाइन करने पड़ेंगे यानी इसके अंदर कितने क्यूब्स इस्तेमाल हुए हैं वो देखना पड़ेगा तो नंबर ऑफ़ क्यूब्स इज़ इक्वल टू काउंट करते हैं सबसे पहले देखें कि लंबाई में कितने क्यूब्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव लंबाई में इसके फ़ाइव क्यूब्स रखे हुए हैं तो यहाँ पे आ जाएगा फाइव इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके चौड़ाई में जितने क्यूब्स रखे हुए हैं जो कि है वन टू थ्री तो फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊंचाई में जितने क्यूब्स हैं यानी हाइट में तो ये है वन टू थ्री तो यहाँ पे भी थ्री ही क्यूब्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ क्यूब्स आ जाएगा थ्री थ्री ज़ार नाइन हो जाएगा और नाइन मल्टीप्लाई बाई फाइव फोर्टी फ़ाइव हो जाएगा तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फोर्टी फाइव इसका मतलब इसमें कितने क्यूब्स इस्तेमाल हुए हैं फोर्टी फाइव क्यूब्स अब हम यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम जिसके लिए वी का इस्तेमाल करेंगे वी इज़ इक्वल टू इसका वॉल्यूम क्या होगा 45 यानी नंबर ऑफ़ क्यूब्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे हर क्यूब के वॉल्यूम के साथ हर क्यूब का वॉल्यूम 1 लीटर है तो 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 लीटर से तो 45 फाइव मल्टीप्लाई बाई वन लीटर इक्वल आएगा ये इक्वल आ जाएगा 45 फाइव लीटर्स के तो V इज़ इक्वल टू 45 फाइव लीटर्स एक और मिसाल देखते हैं ये हमारे सामने एक और सॉलिड की तस्वीर है इस सॉलिड का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है ये सॉलिड इस क्यूब से बना हुआ है और हर क्यूब का वॉल्यूम है फाइव लीटर्स तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे इस सॉलिड के अंदर मौजूद क्यूब्स की तैदा को काउंट करेंगे यानी हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ़ क्यूब्स बल्कि मैं यहाँ लिख लेती हूँ नंबर ऑफ़ क्यूब्स इसमें कितने हैं इसको काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर

अब इसको हमने पुराने तरीके से नहीं किया यानी हम लंबाई में क्यूब्स फिर चौड़ाई में और फिर ऊंचाई में इसलिए नहीं किया क्योंकि इसकी शेप जो है वो मुख्तलिफ़ है यहाँ से इसकी लंबाई कुछ और हो जाती है और यहाँ से कुछ और हो जाती है इसलिए हमने इसके क्यूब्स को अलग अलग काउंट किया अब इसमें नंबर ऑफ़ क्यूब्स फोर्टी नाइन है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा वी इज़ टू नंबर ऑफ़ क्यूब्स जो कि है फ़ोटी नाइन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ जितना एक क्यूब का वॉल्यूम है जो कि है फाइव लीटर्स यानी फाइव लीटर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा तो फोर्टी नाइन को फाइव से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं रफ पे फाइव नाइन जार फोर्टी फाइव फाइव लगाएंगे फोर कैरी ले जाएंगे फाइव फोर ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस फोर ट्वेंटी फोर तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम क्या आ गया टू हंड्रेड फोर्टी फाइव लीटर्स इस सॉलिड का वॉल्यूम है टू हंड्रेड फोर्टी फाइव लीटर्स तो इस तरह से हम डिफरेंट सॉलिड्स का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं आज हमने सीखा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन लीटर्स के बारे में